देखिए, ये अपने आप में भारत के इतिहास में अप्रचलित घटना है। इससे पहले कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेज हैं, कभी भी इस तरह की बातें उन्होंने नहीं की हैं और कभी प्रेस के सामने नहीं आए जी। लेकिन ये लोकतंत्र वाली बात और भ्रष्टाचार वाली बात इस बड़े पैमाने पर उन्होंने उठाई है। लेकिन इससे पहले भी हम इसको दूसरे संदर्भ में लें, जस्टिस कर्नन ने भी इस इशू को रेज किया था। और जब जस्टिस कर्नन ने इस इशू को रेज किया, उस आज की तारीख में जो नंबर टू हैं कॉलेजियम में चमलेश्वर जी, उन लोगों ने उस चीज़ को सपोर्ट किया था कमलेश्वर जी को, कर्नन साहब की। लेकिन क्योंकि वो किसी वजह से उस इशू को इन लोगों ने नहीं उठाया, ये इनकी व्यक्तिगत क्या बातें थी उस वक्त। लेकिन आज कल जो इशू उठाया है कि न्यायपालिका के इस व्यवहार से सीजीआई के पूरा लोकतंत्र खतरे में, ये अपने आप में बड़ी सोचनी बात है। और शायद जो हमारी कम्युनिटी है वकीलों की, इनको इस इशू पे एटलीस्ट इन चारों जजों का साथ देना चाहिए। इसमें कहीं भी किसी प्रकार की राजनीति की बू नहीं आ रही है। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं बेवकूफ़ हैं, और इन लोगों को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। क्या सर, फिर इसको ये माना जाए सीनियर और जूनियर का ये एक मैटर है? ये बिल्कुल नहीं है इस तरह का भी। जो गगोई सर ने, चमलेश्वर जी ने, इन चारों ने जो बातें उठाई हैं, वो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता किसी सूरत में भी, और ना ही देश को नज़रअंदाज करना चाहिए। सर, अभी आपने जस्टिस कर्नल साहब की बात की, सर उन्होंने भ्रष्टाचार को लेके कुछ जजों के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दिया, चिट्ठी दी काफी पेजों की, उसके बाद उसी चिट्ठी को उन्हीं जजों के पास दे दिया जो उनमें वो कोई अपना निर्णय लेते या उनमें कोई जजमेंट सुनाते, तो कर्नल साहब को जेल जाना क्यों पड़ा? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि वो कारण क्या थे, किन परिस्थितियों में उनको जेल भेजा गया, ये भी अपने आप में सोचनीय विषय है। और देश को भी ये चीज़ें सोचना चाहिए कि जब एक सिटिंग जज हाईकोर्ट ने ये मुद्दा उठाया था जो अपने आप में आज सच साबित हो रहा है, उनकी बात को, उनकी कही बात को इन चारों जजों ने इनफैक्ट डिक्टो किया है। सर, कर्नल साहब पे ये लगाया गया था कि भाई इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की या हाईकोर्ट की अवहेलना की है, उसी तरीके से अब जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या जो कार्रवाई कर्नल साहब पे हुई थी, क्या वो कार्रवाई इन पे होगी? देखिए, ये तो चीफ जस्टिस सोचे इस बात को कि जो मुद्दे सीनियर मोस्ट जजों ने उठाए हैं क्या उस परिधि में आ रहे हैं, वो कंटेम की परिधि में जी। ये तो चीफ जस्टिस को सोचना चाहिए अब कि क्या ये जब लोकतंत्र की बात करते हैं कि देश बड़ा है, ये चीज़ें तो चीफ जस्टिस को सोचनी चाहिए कि जिस तरह के इशू प्रेस में आके सीनियर मोस्ट जजों ने किए हैं, अपने आप में वो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और देश बड़ी गौर से इन चीज़ों को देख रहा है। अपने आप में ये शो करता है कि कर्नन साहब के साथ जो भेदभाव जाति तरह से हुआ था, अदरवाइज मुद्दे वही हैं जो कर्नन साहब ने उठाए थे जी। पूरा देश देख रहा है कि इन चारों के खिलाफ क्या सीजीआई साहब को कदम उठा सकते हैं जी। ये पूरे देश के सामने सोचने विषय, पूरा देश इस चीज को देख रहा है। आप ये चीजें हैं बिल्कुल, क्योंकि उस फैसले में जातिवाद की बू आ रही है करण साहब के विषय में, क्योंकि मुद्दे वही हैं जो करण साहब ने उठाए थे भ्रष्टाचार के। क्योंकि आज उठाने वाले सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर मोस्ट जजेज हैं, पहले सिटिंग हाईकोर्ट का जज था, दोनों चीजें अलग अलग हैं। लेकिन बात वही है ना, पहले भी जुडिशरी का आदमी था, अब भी जुडिशरी के आदमी है। सुप्रीम कोर्ट के चारों सीनियर मोस्ट जजेज हैं, अपने आप में काफ़ी सोच विचार के उन लोगों ने बात की है, उन्हें कुछ चीज़ें अंदर लगी होंगी, जो चीज़ें बाहर आई हैं। यदि आप लगी नहीं होंगी, आप मैं कुछ और कह रहा हूँ, उन चीज़ों को एक लगी होंगी जी। और जब इंटरव्यू दे रहे थे आपका प्रेस के सामने जी, उनके चेहरे के भाव एक बता रहे थे कि वो बहुत दुखी हैं जी, और बड़े दुखी मन से वो प्रेस में आए थे, साफ साफ झलक रहा था उनके चेहरे से कि कहीं अंदर कहीं ना कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं। ये देश को ज्ञान हुआ है और पता है, चाहे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए अपने आप में, लेकिन देश को ये चीज़ें सामने आई हुई हैं।